हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। जैसा कि हमारी सीरीज में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है पीएचपी एचटीएमएल और सीएसएस करके, तो हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में एक लॉगिन पेज बना रहे थे जिसमें हमने इतना हमें बनाया था कि हमने दो टेक्स्ट फील ली थी और अब इसके आगे हमें कोडिंग करना है। तो मैं इसके बाद एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और टीआर ले लेता हूँ, इसके अंदर एक टीडी और इसके अंदर मैं एक इनपुट टाइप रखूंगा सबमिट। एक बटन बनाएंगे हम सबमिट नाम का, सबमिट, और इसका मैं नाम देता हूँ सब, और इसके बाद में इसकी वैल्यू दे देते हैं लॉगिन। मैं सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश किया तो एक बटन आ चुका है। देन इसके बाद थोड़ी स्टाइल दे देते हैं, तो यहाँ सभी को मैं स्टाइल दे देता हूँ, मैं इनलाइन स्टाइलिंग लिख देता हूँ स्टाइल के जो विड्थ होगी, विड्थ रख दो 200 पिक्सल, देखते हैं कितनी 200 पिक्सल किसी लग रही है। रिफ्रेश किया तो ये 200 पिक्सल विड्थ है। देन जो हाइट होगी वो रख दो 15, तो रिफ्रेश किया तो हाइट नहीं हुई, पिक्सल नहीं लिखा था मैंने। रिफ्रेश किया ये हाइट आ गई है। देन सेमी कॉलन, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा शायद, ये 30 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही हो गया, ऐसे मैं 20 कर देता हूँ, 20 पिक्सल। देन से रिफ्रेश किया ये ठीक है। इसकी थोड़ी सी मैं हाइट कम कर देता हूँ, इसकी हाइट में कर देता हूँ 13, और यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये अब ठीक लग रहा है। इसी सीएसएस को मैं कॉपी करता हूँ और हमारी दोनों इसमें पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, प्लीज़ ये कॉपी की मैंने, और यहाँ पर आके से पेस्ट कर देता हूँ इस टेक्स्ट फील्ड में। और इसमें भी हमें यही सीएसएस अप्लाई करवाना है, तो यहाँ पर से और यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये इस तरह से हो चुकी है। इन बटन पर हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है कि इसकी विड्थ हमें 100 रखना है, उसको सेव करके रिफ्रेश किया तो ये बटन बन चुका है हमारा। और बटन पर हमें एक और करना है कि इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम रख देते हैं 0.8। देन सेव करके इसे रिफ्रेश किया, शायद अभी ओपेसिटी वर्क नहीं कर रही, तो हम इसे बाद में देख लेंगे। सेव करके भी हम इतना ही रहने देते हैं, तो ये हमारा बटन बन चुका है। देन इसको हम एक फॉर्म में कवर कर लेते हैं फॉर्म, और उसका एक्शन देता हूँ मैं करंट पेज इसलिए कुछ नहीं, और मेथड देता हूँ इसकी पोस्ट, जिससे ये डाटा सेंड होगा हमारा पोस्ट मेथड के, डाटा सेंड होगा, यूआरएल पे शो नहीं होगा। और एक्शन हमारा इसी पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे, इसलिए हम एक्शन को ब्लैंक छोड़ रहे हैं। अगर जब भी हम एक्शन को ब्लैंक छोड़ते हैं तो करंट पेज पर रिडायरेक्ट होता है बटन पर क्लिक होने पर, इसलिए हम इसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं। देन इसे यहाँ पर क्लोज किया और इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं, ये हमारा फॉर्म बन चुका है। अब हमें इसको डेटाबेस से कनेक्ट करना है और उसके बाद में कनेक्शन कोड लिखना है। तो मैं इसको टॉप पर ले जाकर इसको इंक्लूड कर देता हूँ, जैसे मैंने पीएचपी टैग ओपन करे, लेकिन यहाँ मैंने क्लोज करा और इंक्लूड फंक्शन लगाऊंगा। इंक्लूड फंक्शन किसी भी फाइल को अनदर फाइल को हमारे वेब पेज में इंक्लूड करता है। तो हम यहाँ पर जो हमारी कनेक्शन डॉट पीएचपी फाइल है, ये वाली फाइल, ये वाली जो कनेक्शन डॉट पी एच पी फाइल है, इसे हम इंक्लूड करेंगे। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसका नाम पेस्ट कर देता हूँ, तो ये फाइल हमारे वेब पेज में इंक्लूड हुई है, अब इसे यूज़ कर पाएंगे जब भी हम कनेक्शन कोड का यूज़ करना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी रिसेंटली अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।